हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार बिजली विभाग की तरफ से। 2024 के लिए विभिन्न तरह के इसमें आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी इच्छुक हो इन पोस्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग पोस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि बिहार में आई है बिजली विभाग की तरफ से बम्पर नंबर की वैकेंसी। पोस्ट वाइज अगर बात करूं तो टोटल पोस्ट है 2610। इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई डेट रहने वाला है, 1 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 30 अप्रैल रहेगा। तो आपको 30 अप्रैल का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। 1 तारीख से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉर्म की फी क्या होने वाली है। जनरल बीसी और ईबीसी से 1500 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनसे 375 रुपीज लिया जाएगा। एग्जाम का डेट भी आपको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, मई जून 2024 में एग्जाम आपका हो जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होने वाली है। जैसा कि बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है तो एज लिमिट भी थोड़ा सा अलग अलग होने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किस तिथि से आपका एज की गणना की जाएगी। 31 मार्च 2024 के अनुसार फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन दोनों पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए 21 to 37, 21 वर्ष से 37 वर्ष। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एज में जो छूट दिया जाता है वो कैटेगरी वाइज क्या रहेगा। बीसी और ईबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 वर्ष का, और जो फीमेल है, जो बिहार की निवासी है, उनको 3 वर्ष का एज में छूट मिलेगा। तो ये तो एज का क्राइटेरिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए आगे हम लोग चर्चा कर ले कि कौन कौन सा पोस्ट है, किस एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये पोस्ट आया है, सीट कितना है अलग अलग पोस्ट का, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो पहली जो हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये रहने वाला है आपका एडवर्टीजमेंट 5/2024 के रिगार्डिंग। सबसे ज्यादा सीट इसी पोस्ट के लिए 2000 सीट। इसका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 ईयर आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, जो कि 2 साल का आईटीआई कर रखे होंगे इलेक्ट्रीशियन से 10वीं पास होने के साथ, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। सेकेंड जो हमारा पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क 4/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर, और सीट यहाँ पर 300 रहेगा। अकाउंट्स कलर के लिए बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। अब जो अगला हमारा दो पोस्ट है कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, ये आपका 3/2024 जो रिक्रूटमेंट है उसके तहत है। 150 सीट क्लर्क वाले पोस्ट के लिए और 80 सीट स्टोर असिस्टेंट के लिए। दोनों ही पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE का 2/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर है, 40 सीट रहेगा। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। लास्ट जो हमारा पोस्ट है ना असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 है। पोस्ट की बात करें तो 40 सीट इसके लिए रहने वाला है। इसका जो थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा हायर रहेगा, BE या BTEC जिन्होंने कर रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। जनरल कैंडिडेट का इसमें 60% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी का 50% और बीसी ईबीसी का 55%। आई होप कि सभी पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपने समझ लिया होगा। अब चर्चा करते हैं कि इन सब पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। फ्रेंड्स, सिलेक्शन एकदम आसान है। देखिए, सिंगल स्टेज एग्जाम आप पास करेंगे, उसके बाद सिंपली जैसे हर जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, तो एग्जाम पास करते ही ये दोनों चीज क्वालिफाई हुआ, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं
आपका जो एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा। फ्रेंड्स, पैटर्न क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। एक मोटा मोटी तौर पर मैं दोनों ही तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आपको बता देती हूँ किस किस चैप्टर या कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट नंबर 5 2024 एंड 4 2024 के लिए 6 सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। जीके के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश, कंप्यूटर, ट्रेड या कॉमर्स। जैसा आपको पता है कि अकाउंट्स कलर के लिए कॉमर्स पूछेगा और जो बीई बीटेक वाले हैं उनसे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2024 है उसके लिए आपका जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, जनरली जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सभी बच्चे ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप तैयारी करते हो तो ये सारी विषय तो आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर ही रहे होते हो, तो जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपको पता है कि आपको डीवी मेडिकल होगा, फिर आपको बिहार के अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। अब रही बात कि ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको क्या यहाँ पे आके एग्जाम देना होगा, बिल्कुल आपको बिहार में आके एग्जाम देना होगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ओएमआर बेस्ड होगा, पेन एंड पेपर मोड पे। चलिए अब जान लें कि इन सभी पोस्ट के लिए सैलरी क्या मिलती है। 36,800 से लेके 58,600, मतलब कि 40,000 से 60,000 तक अलग अलग पोस्ट की सैलरी रहने वाली है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, देख सकते हो आपकी 3,000 के करीब टोटल सीट पर वैकेंसी आई है। आशा करती हूँ कि आपका सारा डाउट क्वेरी का आपका क्लियर हो गया होगा। तैयारी अच्छे से करिए ताकि इस वर्ष आप अपना एक सीट अचीव कर पाए। और अभी भी अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करिए, आपकी क्वेरीज में वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।